सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार गिरफ्तार। गांधी चौपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना, कहा वोट की सरकार नोट में गिराई गई। केसीआर के सीएम मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन, बोले हर जिले में बनाएंगे। हर मुद्दे पर मेरिट के हिसाब से फैसला लिया जाएगा, कानून और संविधान को कायम रखूंगा। मिजोरम की पत्थर खदान में 11 शव मिले, एक मजदूर अभी भी लापता, सोमवार रात ढही थी खदान। मिजोरम के आइजोल जिले में पेट्रोल ले जा रहे टैंकर में लाइटर में लगी थी आग, 11 की मौत, पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के नीचे हुआ तेज धमाका, ट्रेन से उतरकर भागे यात्री, जाने क्या है मामला। आरएसएस ने अमेजन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कंपनी पूर्वोत्तर में करती है धार्मिक धर्मांतरण का वित्त पोषण। सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर नदी की बाढ़ पर हरियाणा और पंजाब को फटकारा, कहा राजनीति से पहले जनहित पर करें विचार। झारखंड के 31 लाख किसानों के लिए हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान, सूखा राहत के लिए मिलेगा पैकेज। बंगाल में ममता शाह ने दी शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट 2014 की मेरिट लिस्ट में दीदी को 92 तो सिहा को 93 नंबर मिले। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले सबऑर्डिनेट की मानसिकता खत्म हो, हाई कोर्ट के जज जब लंच डिनर करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज खड़े रहते हैं। भागवत बोले हम सबके पूर्वज समान है, 40,000 साल में हमारा डीएनए एक, लोगों को लगता है संघ पैरामिलिट्री संस्था है पर ऐसा नहीं। हरियाणा के हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप, सरकार 3 चरणों में सिरे चढ़ाएगी योजना, डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। बिना कैंडिडेट उतारे उपचुनाव में मायावती की एंट्री, कहा मुस्लिम के लिए बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, भाई के दोस्त ने घर छोड़ने के बहाने किया था रेप, 7 साल बाद आया फैसला। मिसिंग लड़कियों के होमवर्क में जुटी आजमगढ़ पुलिस, कुएं में मिली थी 5 टुकड़ों में बॉडी, शव की शिनाख्त कर रही पुलिस। अलीगढ़ में शराबी पिता ने बेटी को मारी गोली, मां से झगड़ा करने का विरोध करने पर लोहे की रॉड से पीटा, फिर 3 गोलियां दागी।
आगरा में एवीवीपी पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरबीएस कॉलेज में घूमने को लेकर हुआ था विवाद, प्रचार ने कराई एफआईआर। गाजियाबाद में तांत्रिक ने 10 महीने युवती से किया रेप, वीडियो बनाया परिवार की हत्या करने की देता था धमकी, मुकदमा दर्ज। इटावा में अधिवक्ता ने महिला को 5 गोलियां मारी, गोली मारकर खुद भी कर ली आत्महत्या, महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज। गोरखपुर में मां बेटे ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले 69 लाख में बेचा था घर, बड़े बेटे ने धोखे से हड़प लिए थे रुपए। झांसी में हत्या कर जलाई गई महिला की शिनाख्त नहीं, एक पिता का दावा, शव 3 महीने पहले लापता हुई बेटी का है, पुलिस डीएनए कराएगी। महाराजगंज में ट्रक और मैजिक में भिड़ंत हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल, 2 को गोरखपुर किया गया रेफर। सुल्तानपुर में नकली डीएपी बनाने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में करते थे सप्लाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, मुस्लिमों की वेशभूषा देखकर डर लगता है, मेरठ में कहा धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयानक होगी। गाजीपुर में सामुदायिक भवन और 2 सड़कों का लोकार्पण, मिनी ट्यूबवेल का किया गया शिलान्यास, सपा अध्यक्ष बोले सभी के सहयोग में यह संभव। गाजियाबाद में हिंदू नेता को व्हाट्सएप पर धमकी, मैसेज में लिखा सावधान रहिए नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा। कानपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सड़क से 100 मीटर दूर मिला शव, जेब में था बांदा की क्लिनिक का पर्चा, पुलिस शिनाख्त में जुटी। मेरठ में पीएसी के पीछे देर रात भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक, 7 दमकल लगी तब बुझी आग। बलिया में ट्यूशन से लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मिर्जापुर में अपराधियों पर शिकंजा कसेगी पुलिस, एसपी ने पुलिस अपराधियों के साथ की बैठक और टीम बनाकर गिरफ्तारी का दिया निर्देश। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का फूड प्लाजा बंद, स्टेशन डायरेक्टर ने प्लाजा के मैनेजर से की थी मारपीट, प्लाजा बंद होने पर उठे कई सवाल। डेंगू का कहर जारी, महिला की मौत, नए मरीज, बिलहौर की महिला हेलेट में थी भर्ती, 1000 के करीब पहुंचने वाला है मरीजों का आंकड़ा। शाहजहांपुर में पत्नी पर एसिड अटैक करने वाला गिरफ्तार, पति ने अस्पताल में नौकरी करने से रोका। महोबा में बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, बेटा बोला चाचा ने जबरन की जमीन पर कब्जा और जान से मारने की दी धमकी। बरेली में महिला की मौत, डेंगू के 4 मरीज, जिले के डेंगू के मरीजों की संख्या 276 पहुंची। झांसी में गैंगस्टर कमलेश यादव की संपत्ति कुर्क, 44 लाख कीमत की मकान और 1.2 हेक्टेयर जमीन जब्त, 38 मुकदमे दर्ज हैं। सीओ के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, सीओ अयोध्या डॉक्टर राकेश तिवारी बने सीओ सदर, शैलेंद्र गौतम सीओ अयोध्या।
लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की हुई मौत, धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। अंबेडकर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया कुल्हाड़ी से वार, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में रेल की चपेट में आने से व्यापारी की हुई मौत, व्यापारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। देवरिया में दो बाइक की टक्कर, टक्कर में दो व्यक्ति घायल, हालत नाजुक, मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों के इलाज के लिए भर्ती कराया। हमीरपुर में आरटीओ विभाग बना दलालों का अड्डा, दलालों की मर्जी के बिना नहीं होते यहां लोगों के काम, मनमानी रुपए लेकर करते हैं काम। उत्तराखंड में भूकंप के अलर्ट का बढ़ेगा दायरा, राज्य में लगाए जाएंगे 350 नए सेंसर। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, महिला आरक्षण और नकल विरोधी अधिनियम पर हो सकते हैं निर्णय। उत्तराखंड में 29 नवंबर से टून में शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अधिसूचना जारी। उत्तराखंड के रुड़की में बृजभूषण सिंह ने कहा, ब्राह्मण थे ओवैसी के परदादा, टीपू सुल्तान के समय में बदला था अपना धर्म। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए खुले केटीआर व सोना नदी अभ्यारण्य के गेट पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में जादुई छड़ी की फिटनेस ऑटोमेटेड में भी अटकी, उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हुई फिटनेस। देहरादून में चीड़बाग स्थित युद्ध स्मारक की शान बढ़ाएगा विजयंत, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दी सहमति। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के हो प्रयास, प्रतिबद्धता के साथ करना होगा कार्य। उत्तराखंड के देहरादून में दो पक्षों में झगड़ा, कई राउंड हुई फायरिंग, कार के पीछे छिपकर बचाई जान, 5 पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में लैसडॉन तहसील की पटवारी निलंबित, कानून को भी हटाया, युवक से पैसे मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। उत्तराखंड में दूसरा निकाह कर रहे पति को रोकने के लिए ग्राम प्रधान पत्नी ने किया हंगामा, 5 व्यक्तियों को लिया हिरासत में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं को रेफर करने के मामले की जांच पूरी, दोषी मिले डॉक्टर। उत्तराखंड में विभागों से एक हफ्ते में खाली पदों का ब्यौरा तलब, मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वन कर्मियों की हवाई फायरिंग में बाजार में घूमती बाघिन की मौत, विभाग कर रहा छर्रा लगने का दावा। उत्तराखंड के नैनीताल में गार्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में डूबने से मुरादाबाद के दो युवकों की मौत, एक की होने वाली थी शादी। चीन ने कोरोना लॉकडाउन से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, भटकी जनता ने किया विद्रोह।
पोलैंड में मिसाइल हमले में बढ़ रहा तनाव, बाइडेन बोले रूस से नहीं हुआ अटैक, मामले को लेकर जांच जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की बिजली संयंत्रों को पहुंचाया नुकसान, लाखों लोग रहे अंधेरे में। यूएन प्रमुख और बाइडेन की भी आई प्रतिक्रिया सामने, पोलैंड का दावा रूस ने दागी उसके क्षेत्र में मिसाइल। G20 समिट का दूसरा दिन, पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की, वाली के मैग्रोव फॉरेस्ट का दौरा भी किया। यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड में मिसाइल से दो की मौत के बाद नाटो अलर्ट, जेलेंस्की बोले संघर्ष बढ़ाने की कोशिश। ২০২৪ का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा अमेरिका को महान बनाना है। बाली में जिनपिंग से मिले मोदी, डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने साथ हाथ मिलाए, अलग से बातचीत की भी उम्मीद। नासा के मून मिशन पर फिर खतरा, तूफान के बीच लॉन्चिंग की तैयारी, आज भरेगा उड़ान। यूक्रेन ने दूर से रूसी सैनिक को बनाया निशाना, युद्ध में भी बना डाला नया रिकॉर्ड। ২৯ নভেম্বর को दोबारा लॉन्च होगा ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन, मस्क ने कहा रॉक सॉलिड होनी चाहिए सर्विस। सात महीने के ऊंचे स्तर पर सोना, 24 कैरेट सोने की कीमत ५२,८७७ रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। कारों के लिए 22 महीने तक की वेटिंग, पेट्रोल डीजल कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए। लॉन्च हुआ देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार, पीएमवी इलेक्ट्रिक कल पेश करेगा ईएएसई। व्हाट्सएप इंडिया हेड का इस्तीफा, मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने भी पद छोड़ा, शिवनाथ ठकराल को नई जिम्मेदारी। फोन पे की नई सुविधा, अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं, आधार से भी एक्टिव कर सकेंगे यूपीआई। यूएस ने 6 एयरलाइनों पर लगाया जुर्माना, एयर इंडिया पर 11.35 करोड़ की पेनल्टी। कोटक महिंद्रा बैंक के अगले सीईओ नहीं होंगे उदय कोटक के बेटे जय, 6 महीने में होगा नए मुखिया का चुनाव। आरबीआई की उपसमिति की बैठक में शामिल हुए गवर्नर शक्तिकांत दास, वैश्विक और घरेलू इकोनॉमी पर की चर्चा। सीबीडीटी के चेयरमैन बोले जो टैक्स समय पर नहीं चुकाते उनके खिलाफ होती है कार्रवाई, नहीं होता पक्षपात। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक ने तलाक से मारी पलटी, एक साथ करेंगे नया शो, लोगों ने किया ट्रोल। अगले साल वनडे वर्ल्ड कप देख, कोच ने वेन स्टोक्स को दी थी सलाह, बोले थे तुम कभी भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हो।
सनराइजर्स हैदराबाद से ठुकराए जाने पर नाखुश केन अब टी20 क्रिकेट में दिखाएंगे जलवा। अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे एमएस धोनी, संभवतः इसके लिए होगा आखिरी सीजन। पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग पर जावेद मियांदाद का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान क्रिकेट कोई विदेशी कोच पर ज्यादा ही निर्भर है। कुलदीप सेन को न्यूजीलैंड में अच्छे परफॉर्मेंस का भरोसा, कहा मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का शुक्रिया, खुद को साबित करूंगा। रविंद्र जडेजा ने धोनी के साथ शेयर की फोटो, लिखा अब दोबारा शुरुआत करेंगे सब कुछ सही। चेन्नई की टीम से नहीं खेलेंगे ब्रावो और क्रिस जॉर्डन, मयंक अग्रवाल को पंजाब ने रिलीज किया। धोनी की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी, बीसीसीआई का प्लान, धोनी फियरलेस स्किल्स सिखाएं। आईपीएल नहीं खेलेंगे पोलार्ड, मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी कोच बनाया, 13 साल तक फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे। रणवीर सिंह ने शेयर किया कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस, स्ट्रगल के दिनों को किया याद, बोले डायरेक्टर के पीछे छोड़ दिया था कुत्ता। फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने निकले आयुष शर्मा, मुंबई एयरपोर्ट पर अरबाज खान के साथ दिखी रवीना टंडन। अमिताभ बच्चन का पेट डॉग का हुआ निधन, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट, फैंस ने जताया दुख। एयरपोर्ट पर दिखे शाहरुख खान, लेदर जैकेट में दिखा कूल अंदाज, सिक्योरिटी से घिरे नजर आए पठान। अक्षय कुमार ने दिया खास अनाउंसमेंट का हिंट, वीडियो देख एक्साइटेड हुए फैंस, बोले प्लीज हेरा फेरी 3 कर लो। सुपरस्टार कृष्णा बाबू का अंतिम संस्कार, सिर्फ 2 हीरोइनों के साथ ही फिल्में, सबसे तेज 200 फिल्में करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को जमानत मिली, बतौर टीवी रिपोर्टर की थी करियर की शुरुआत, अब 101 करोड़ की मालकिन है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर को होगा शुरू, 75 युवा 53 घंटे में बनाएंगे शॉर्ट फिल्म। एक्टिंग से ब्रेक लेंगे आमिर खान, 1.5 साल तक किसी भी फिल्म में नहीं करेंगे काम, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। फिल्म सिटी में नजर आए विकी कौशल, फॉर्मल लुक में दिखे हैंडसम, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।